विश्वविद्यालय पर्चा लीक का मामला अब चढ़ा एसटीएफ के हत्थे, होगी निरस्त परीक्षाएं 1 और 4 मई को। विश्वविद्यालय के पीआरओ प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किया अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह का एक सदस्य। शासन द्वारा चयनित गांव को मिलने वाली सुविधा के बारे में विकास भवन में संपन्न हुई बैठक। महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में नारी गर्जना मंच के सदस्यों ने निकाला मशाल जुलूस। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेधा संस्थान द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कुलपति ने मेधावियों को किया सम्मानित। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे मदरसा बोर्ड के चौथे दिन परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों की संख्या और हुई कम, 3532 परीक्षार्थियों में से अब तक कुल 934 छोड़ चुके हैं परीक्षाएं। 21 अप्रैल को गोरखपुर आएंगे प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह। 25 से 30 अप्रैल के मध्य होगा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के खाते में पुनः धनराशि का हस्तांतरण। आयोजित होगी 30 अप्रैल को पंचम राज्य वित्त आयोग की मंडलीय बैठक, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। सामूहिक विवाह में स्वयं सीएम देंगे जोड़ों को आशीर्वाद, 29 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। और रेलवे जांच अभियान के दौरान पकड़े गए 125 बिना टिकट वाले यात्री, 57,645 रुपए की गई वसूली।